हाय गाइस, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। अनाउंसमेंट तो क्या मतलब बताने जा रही हूँ आपको, वो इसलिए बताने जा रही हूँ क्योंकि जितनी भी मैंने वीडियोस योग की अपने चैनल पर डाली है ना, आप सबने बहुत बहुत लाइक करी है वो, और आप लोग क्वेश्चंस भी पूछते रहते हो मुझसे, बहुत तरह के जो है मैं आंसर भी करती रहती हूँ आपके उन क्वेश्चंस के जो भी आपके डाउट्स होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे करें कि अब तो देखो फैमिली भी बहुत बड़ी हो गई है अपनी, 89,000 आई थिंक आज कल में पूरे हो ही जाएंगे, तो उसमें क्या है, और अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो 1,00,000 भी जल्दी हो जाएंगे। मैं ये चाह रही थी कि अगर इतनी बड़ी फैमिली हमारी हो गई है और योग के ऊपर आपके इतने डाउट्स, इतने क्वेश्चंस आप पूछते हो मुझसे, तो हम क्यों ना योग इकट्ठे करें। वो इसलिए क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज्यादा फेथ है इस बात में कि योग जो है ना, हमें अगर हम उसको डेली करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो हमारी बहुत हेल्प करने की उसपे मैं बताती हूँ। जैसे कि अगर हम सिंपल भी करते हैं, है ना, सिंपल योग मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डिफिकल्ट आसन कर रहे हैं, और सिंपल प्राणायाम कर रहे हैं, छोटे छोटे आसन कर रहे हैं, थोड़े थोड़े कोई सूक्ष्म व्यायाम मतलब वार्म अप एक्सरसाइजेस वगैरह कर रहे हैं, उससे जो है ना हमारी बहुत बहुत प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। सबसे पहली बात तो मैं बताऊं, हमारा माइंड जो है ना वो रिलैक्स रहता है, और हमारी माइंड और बॉडी का बैलेंस बना रहता है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो है वो दूर रहती है हमसे, हम रिलैक्स रहते हैं, नींद अच्छी आती है, और तो जो प्रॉब्लम्स हमारी ठीक होती हैं धीरे धीरे करके, हमारी बीपी, डायबिटीज, काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है, थायराइड, वो जो है ना उसमें हमें रिलीफ मिलता है। कई बार क्या होता है, कई लोगों का तो ऐसे होता है मेडिसिन खाते हैं फिर भी इतना हाई बीपी रहता है, तो उससे क्या होता है, फायदा होता है बहुत ज्यादा। तो खैर, मैं तो आप सबको मैंने बहुत बार ही बताया हुआ है कि मैं 55 इयर्स की हूं, लेकिन अभी तक मैं कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खाती हूँ। बीच में कुछ ऐसा हुआ था, कुछ साल पहले बीपी की मेडिसिन मेरी स्टार्ट हुई थी, लेकिन मैंने उसको 6-7 मंथ से खाया। वो मुझे क्यों स्टार्ट करनी पड़ी जबकि मैं योग बहुत बहुत साल से कर रही हूँ, वो भी धीरे धीरे आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि क्यों मुझे स्टार्ट करनी पड़ी वो वाली मेडिसिन, और कैसे फिर मैंने उसको धीरे धीरे करके छोड़ दिया। अब मैं कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन रेगुलर नहीं खाती हूँ, हाँ कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कोई मैंने कोई वो लिया हुआ, ऐसा बात नहीं है कि एलोपैथिक मेडिसिन भी कई बार बहुत हेल्प करती है हमें, लेकिन योग जो है ना, हमारे एलोपैथिक मेडिसिन अगर आप रोज लेते भी हो तो भी उनके इफेक्ट को, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन जो होती है ना हमारे लीवर को, किडनीज को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है, आप सबको पता है ये चीज। और कई बार पर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें खानी है, आपको लगता है कि हम नहीं छोड़ सकते, तो एटलीस्ट अगर आप योगा करेंगे, हर रोज करेंगे, एटलीस्ट आधा घंटा एक घंटा करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो आज मैं आपको ये अनाउंसमेंट मतलब ये बताने लगी थी कि अब हम एवरी मंडे और ट्यूसडे जो है ना, आधा आधा घंटा, 4 से 4:30 बजे तक, मंडे को भी ट्यूसडे को भी, अभी तो वीक में मैं 2 ही बार स्टार्ट कर रही हूँ, फिर क्योंकि टाइम इतना नहीं मिल पाता है, फिर अगर ज्यादा टाइम मिला तो हम ज्यादा टाइम के लिए करेंगे, और जिस तरह से आप लोग भी बेनिफिटेड फील करोगे, जैसे जैसे आप मुझे फीडबैक दोगे उसके अकॉर्डिंग भी करूंगी मैं, और अपना जितना मुझे टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। तो मंडे और ट्यूसडे को 4 to 4:30 हम सब इकट्ठे मिलकर योग करेंगे, और मैं आपको साथ साथ उनके फायदे भी बताऊंगी, और लाइव आऊंगी मैं, मतलब 4 to 4:30 मंडे और ट्यूसडे को। अभी तक तो यही प्लान है, 99.9% जो है अपनी तरफ से तो 100% ही बोलना चाहती हूँ, लेकिन गॉड के वेज का कुछ पता नहीं होता ना, कि 0.1% इसलिए भगवान पे छोड़ना पड़ता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बहुत ही ज्यादा कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आएगी तभी मैं उस चीज को नहीं करूंगी, अदरवाइज 4 to 4:30 4 से 4:30 बजे तक हम इकट्ठे मिलकर योग करेंगे। और मुझे बहुत बहुत ज्यादा विश्वास है कि जिस तरह से योग ने मुझे हेल्प करी है उस तरह से आप सबको भी हेल्प करेगी। और क्या होता है, योग ना काफी लोग सोचते हैं ऐसे कि बहुत ज्यादा इस तरह किया कि अकेले नहीं किया जाता, तो इकट्ठे मिलकर करेंगे, और काफी लोग हैं जिनको मॉर्निंग में नहीं टाइम मिलता तो वो इवनिंग में हम कर लेंगे। तो आप ट्राई करना कि अराउंड 3 घंटा पहले जो भी आपको खाना है खा लेना, सो दैट आप 4 बजे अगर हो सके तो 4 घंटे पहले अगर आप पहले खा लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और फिर उसके बाद 4:30 के बाद 15-20 मिनट के बाद आप कुछ भी खा लेना, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले थोड़ा सा पेट जो है ना वो हल्का रखना, ताकि हम कपालभाति भी करेंगे थोड़ी देर के लिए, तो ताकि उससे आपको फायदा भी हो और
अगर पेट भरा होता है और हम कपालभाति करते हैं तो उससे नुकसान भी होता है। बाकी और भी कुछ भी हम करेंगे जैसे कि अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, उसमें तो खाना खाने के पौने घंटे बाद भी हम कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे फायदे हैं जैसे आर्थराइटस में, मतलब और मैं क्या क्या बोलूं आपको कि क्या फायदे नहीं है योग के, हर चीज में हर बीमारी के लिए फायदेमंद है। और हमारा जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही, मतलब अंदर अंदर जो हमारे है ना लीवर किडनी स्प्लीन, इन सबके लिए भी, इन सबकी हेल्थ के लिए योग बहुत बहुत अच्छा है। तो आई होप आप सब रेडी हैं। तो आपने मेरे चैनल को आई होप सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लेना ताकि जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिले, और फिर वैसे याद भी रखना मंडे और ट्यूजडे को 4 to 4:30। तो इस बारी आप कहाँ होगे, 10th को, मतलब 10th ऑफ अप्रैल, ठीक है, 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को हम लोग करेंगे। और बस इतना ही कहना था, और आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत लाइक कर रहे हो, टेरेस गार्डनिंग की वीडियोस को भी बहुत लाइक कर रहे हो, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। इसी तरह से ही आप जो है मेरी वीडियोस देखते रहें, और कोई भी फीडबैक हो तो आप जरूर देना। आप फीडबैक भी जो देते हो तो वो भी मैं उसको भी पॉजिटिवली लेती हूँ, हर फीडबैक को। तो बस इतना ही कहना था कि तैयार रहना और करेंगे इकट्ठे मिलके योग। लाइव आऊंगी मैं उस वक्त, जो भी आप लिखोगे, आई होप, मैं, मेरे को नहीं पता मैं पढ़ पाऊंगी नहीं, क्योंकि लाइव में बहुत बहुत कम आती हूँ। आई थिंक मुश्किल से 2 या 3 बारी मैंने करा होगा लाइव इस चैनल पे, तो आई थिंक 1 बारी भी नहीं किया है शायद। वो जो मेरा स्टडी टाइम वाला चैनल है उसके ऊपर मैंने 2-3 बारी लाइव किया है, लेकिन इस पे मैंने नहीं किया है ज्यादा, तो मुझे इतना नहीं पता। मैं बाकी आपके जो सारे कमेंट्स हैं वो सब भी आप बाद में भी लिखना, जो भी आपकी फीडबैक होगी। बस यही कहना था। तो फिर तैयार है ना आप इस वीडियो के नीचे, जरूर जरूर मुझे लिख देना, और अपने उन फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर लेना ये वाली वीडियो, जो लगता है आपको कि योग करना चाहिए। जैसे मैं तो अपने सारे फैमिली मेंबर्स को, अपने आसपास फ्रेंड्स को जब भी कभी मिलती हूँ, यही उनको बार 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 बोलती हूँ कि योग जरूर जरूर करें, और क्योंकि उससे बहुत फायदा, मुझे बहुत फायदा हुआ, मेरे काफी सारे फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को बहुत फायदा हुआ है। धीरे धीरे कुछ मैंने बताया भी अपनी पिछली वीडियोस में, और कुछ बताऊंगी भी आगे आने वाली वीडियोस में। तो बस ठीक है, और कुछ बस यही मेरे को लगता है मैंने बताना था, तो चलो बता दी मैंने ये वाली बात। और काफी दिन से सोच रही थी ये चीज करने की, बट आई थिंक आज ही वो दिन आना था जब मैंने आपको ये चीज बतानी थी। चलो करते हैं अब गुड बाय, मिलते हैं फिर हर रोज, वैसे मिलती तो रहूंगी मैं आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियोस के थ्रू। बाकी मंडे को और ट्यूजडे को मिलेंगे 4 से 4:30 बजे तक लाइव, और इकट्ठे मिलकर योग करेंगे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, सब लोग अपना बहुत 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 ध्यान रखना।